दोस्तों, मैं आ गया हूँ। लगभग 4 दिन के बाद से मैं फिर से वीडियो पे आ गया हूँ। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पीछे जो है ये देख सकते हैं, फुल मीन गोल्ड वगैरह ये सब सारा चीज़ है। और यहाँ पे हमारी सारी मेडिसिन वगैरह रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, फार्म की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हाल है हमारे फार्म के, और जानकारी देते हैं आज की वीडियो की विशेषताएं बताती हैं। दोस्तों देख सकते हैं, शाम के टाइम है, लगभग सेकेंड हाफ है, और ये फीड खिला रहे हैं हम लोग। जो नए गाय हैं, जो नए से एकदम लिटरली जो नए एकदम आए हुए हैं, और जो हाल फिलहाल में बच्चा दिए हैं, तो उसको इस ये गाय ये फीड खिला रहे हैं। ये अपना पशु आहार है, देख सकते हैं। इसमें खिलाने का रीज़न ये है कि इसमें सरसों खल की मात्रा अभी फिलहाल ज़्यादा है और उसमें थोड़ा सा कम है। तो कुछ गाय जो है सो मतलब इसको खाती खाने में पसंद करती है, कुछ उसको खाने में पसंद करती है। और कुट्टी जो है सो हमारी बिहार वाली कुट्टी है, काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्ट है, और हम इंतज़ार है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जितने की खाली बॉटल्स है यहाँ पे रखी गई है कैल्शियम की। और बात कर लेते हैं आज हमारे जो कौन से हम डिवर्मिंग की दवा अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस कंपनी की दवा जो है सो हम लोग डिवर्मिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और एप्टोनिक को हमेशा फ़िलहाल दे ही रहे हैं। ये देखिए, ये एप्टोनिक है और इसको फ़िलहाल हम लोग दे ही रहे हैं। तो शाम के टाइम है दोस्तों, और सभी गाय अभी खाना वाना खा रही है बढ़िया तरीके से। सभी गाय अपने नाद में जो है सो बिजी है खाने के चक्कर में। तो लगभग मैं 4 दिन के बाद से आज मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और शाम का टाइम है, लगभग 4 बज गए हैं। थोड़ा सा दिन छोटा होता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ भाई मैसेज भी करते हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सवाल क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हमको अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ, एक परिवार मेरे हमारे साथ यूट्यूब के साथ में भी जुड़े हुए हैं। तो अभी नई गाय आई नहीं है फिलहाल, कुछ इशू चल रही है उसके कारण से लाए नहीं, हो सकता है तो कल या परसों आ जाएगी। फिर अलग से उसकी एक वीडियो मैं बना के आप लोगों के बीच में ले आऊँगा। हाँ, तो बात करते हैं इस गाय की। इस गाय की थोड़ी सी पोजीशन जो है सो डाउन हो गया है, थोड़ा सा दूध जो है सो 1-2 लीटर के आसपास में कम कर रही है। ठंडी जो है सो बाद बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, और जिसके कारण जो हमारे पास में दूध का उत्पादन जो है सो कम है। और देखिए जो है सो अभी बछिया भी हमारी यहाँ पे है, तो बछिया का कलर भी अब धीरे 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 निखार आने लगा है, कलर भी अच्छा तरीके से। और उस गाय की अभी फ़िलहाल टाइम हो ही अभी टाइम हुआ है, लगभग 8 मंथ कंप्लीट हुआ है, यहाँ खाना जो है सो पड़ ही रहा है। तो आज कुछ विशेष ऐसी कुछ है नहीं, एक फार्म का अपडेट मैं आप लोगों को दे दिया, और सभी गाय अभी स्वस्थ हैं, और फिलहाल हमारे पास में कोई गाय आई नहीं है। और मिनरल मिक्सचर वगैरह अभी हम लोग ठंड में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी भी जो है सो आप लोग भी मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम इस चीज़ को, और गुड़ और तेल आज हम लोग फिलहाल खिलाए हैं गायों को। तो सप्ताह में लगभग 2 से 3 दिन के 2 दिन के आसपास में सप्ताह में ज़्यादा ज़्यादा दे रहे हैं गुड़ और तेल, जिससे प्रॉपर तरीक़े से सभी गाय को मतलब कैल्शियम वगैरह एक तरीक़े से मिलता ही रहता है। तो ठंड भी के कारण से बचाव के लिए उस चीज़ को देते हैं। और गाय में शाइनिंग वगैरह भी आती है, तो आप लोग भी हो सके तो गुड़ और तेल दें गायों को, और कैल्शियम, और मैं बार बार बोल रहा हूँ मिनरल मिक्सचर वगैरह इसको दें, ताकि कोई भी प्रेग्नेंट वगैरह के इशू में प्रॉब्लम नहीं रहेगी और कोई भी विटामिन कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो आज का वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, बहुत सारे भाई एक अपडेट खोज रहे थे, तो मैं वीडियो एक जस्ट अपडेट के लिए मैं एक वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो कुछ खास है नहीं इस वीडियो पे। तो इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंतज़ार करें दोस्तों कल तक की, तो कल हो सकता है तो एक नई गाय हमारे फार्म पे एंट्री करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।